हमारी जो इकोनॉमी जो मंदी आई है उसका सीधा कारण है रघुराम राजन। ये हम लोगों ने उसको नहीं बनाया, ये तो यूपीए ने किया। और इसकी जो मंशा है उससे लगता है कि वो कहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्याज का जो दर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ब्याज के दर बढ़ाओगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान होती है ये मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लोग, जिसमें सबसे अधिकतम जो आम जनता की जो नौकरी पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज़ है वही यही है, वो सब बंद पड़े हैं। माइनस रेट में चल रहा हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये तो वही जैसा हो गया कि किसी मरीज़ की टेम्परेचर को कम करने के लिए आप उसको जान ले लो, उसकी हत्या कर दो तो फिर तो टेम्परेचर कम ही होगा। तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी को चौपट करने में ये है। कितना भी मैंने उनसे बोलने के बाद यानी चिट्ठी लिखने के बाद ये वही जिद में लगा हुआ है। और इसने ग्रीन कार्ड ली हुई है अमेरिका से, इसके माने तो आधा तो वो उनका सिटीजन ही बन गया है। और उनका नियम है अमेरिका में कि ग्रीन कार्ड को जारी रखने के लिए हर साल एक दिन अमेरिका में रहना है, वो भी करके आता है ये। तो ऐसे व्यक्ति जो यूपीए के अपॉइंटी है इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन में हम क्यों रखना चाहिए। वैसे भी इसका टर्म सितंबर में ख़त्म हो रहा है तो अभी उसकी उसको छुट्टी करके घर भेजना है, क्योंकि बड़ी दबाव डाली जा रही है खास तौर पर जो लोग अमेरिका को के गुलाम हैं, वो दबाव लगा रहे हैं कि इसको दोबारा एक और टर्म दो। इसका मैं विरोध कर रहा हूँ।